इसीलिए नाम करते करते एक दिन वो संबंध हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, विशेषता है। और अगर संबंध हो ही गया, भगवान तो बिना संबंध ही बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। भगवान बिना संबंध बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, और अगर संबंध ही हो गया तो भगवान हमारे जीवन से बाहर हो जाएंगे, ना ही हम उनके चरणों से कभी अपने आप को दूर करेंगे। और होता क्या है, आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही इस बात को बोल रहे, मेरे से संबंध युक्त तुम हो जाओगे, तुमको मैं ऐसे स्थान में लेके चला जाऊंगा जहां निवृत्ति नहीं है। ऐसा क्यों निवृत्ति नहीं है? क्योंकि प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन। जब आप एक एक पग पे, एक एक कदम पे पूर्ण अमृत का आस्वादन कर रहे हो, तो फिर निवृत्ति कैसे हो सकता है? लेकिन हमें यहां समझने वाली बात है निवृत्ति की बात। वो निवृत्त नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि जब एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करता है, एक तो उसको आनंद का अनुभव हो रहा है, वही आनंद की पूर्णानुभूति हो रहा है। उसी पूर्ण आनंद की अनुभूति के साथ जब दोबारा कृष्ण नाम ग्रहण करता है, उसका फ्लेवर चेंज आ जाता है, वो पहले वाले से भी ज्यादा अधिक आनंद का अनुभूति उसको प्रदान करता है। क्योंकि हरि अनंत है, हरिनाम भी अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, उनकी गुण माधुरी अनंत है। उसका आस्वादन करते 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 वो उस कृष्ण नाम के, कृष्ण प्रेम के अथा सागर के अंदर डूब जाता है। उसको निवृत्त होने के लिए कोई विकल्प उसके लिए बनता ही नहीं।